नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? कक्षा 6 हिंदी विषय में हमने पहले इकाई में चित्र को देखकर बहुत सारी कहानियाँ बनाई थी, आपको याद है ना? और आपको बहुत मज़ा भी आई होगी। तो आज हम दूसरा इकाई देखेंगे और जिसका नाम है एक जगत एक लोक। तो सबसे पहले आप अपनी किताब निकालिए और उसमें उस कविता को निकालिए जिसका नाम है एक जगत एक लोक। और अब आप कविता को सुनिए।
बच्चों, आपने मधुर गीत का श्रवण किया। अब हम चित्र को देखेंगे, तो आप अपनी किताब में देखिए। आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना? वह हमारी कविता का चित्र है। उस चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है? तो देखो, पहले सूर्य दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? उसके बाद चंद्र दिखाई दे रहा है और धर्मों के प्रतीक है, धर्मों के प्रतीक दिखाई दे रहा है, और फूल दिखाई दे रहा है, और क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों, दो बच्चों दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्र ध्वज है, और हमें एक हाथ भी दिखाई दे रहा है, और यही हाथ हमें कुछ संदेश दे रहा है, और यह संदेश क्या है वह हमें इस काव्य में सीखना है। तो अब हम काव्य की समझूती प्राप्त करेंगे। तो आप सब अपनी किताब में काव्य देखिए। एक जगत एक लोक सबका है एक माँ, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक जगत, जगत यानी कि दुनिया। एक लोक यानी कि दुनिया में रहने वाले लोग। सबका है एक मान, मान यानी कि आदर सम्मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि, भूमि यानी कि जमीन। और आसमान यानी कि आकाश। आपको यह शब्द याद रखना है, जो शब्दार्थ मैंने आपको बताए है वह याद रखना है, कि जगत यानी कि दुनिया, मान यानी कि आदर सम्मान, भूमि यानी कि जमीन, और आसमान यानी कि आकाश। तो इस कविता में क्या कहा गया है? तो यह पूरी दुनिया एक है, यह एक संसार मानव लोक है, पूरे संसार के सभी लोगों को सम्मान आदर मिलना चाहिए। आगे देखिए, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। सारे संसार को रात्रि में एक ही चंद्र से रोशनी मिलती है, और दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। संसार के सभी लोग एक ही धरती और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। फिर से हम सीखेंगे, यह पूरी दुनिया एक है, यह संसार एक मानव लोक है, पूरे संसार के सभी लोगों को सम्मान आदर मिलना चाहिए, सारे संसार को एक ही चंद्र की रोशनी मिलती है, दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, और संसार के सभी लोग एक ही धरती और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। आगे देखिए, एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक तेज, तेज यानी कि प्रकाश। एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख, सुख दुख यानी कि खुशी या गम। तो हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। सबके जीवन में आने वाले सुख दुख भी एक समान है। आगे देखिए, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक। एक देह, देह यानी शरीर। एक रक्त, रक्त यानी कि खून,
जो हमारे शरीर में बहता है। एक अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डी, और एक प्राण यानी कि जान। मित्रों, हम सबको पता है कि हमारा शरीर एक जैसा है और सभी के शरीर में एक जैसा रक्त यानी कि खून बहता है, और उस खून का रंग कौन सा है? लाल। तो हमें सभी को पता ही है कि हमारा शरीर एक जैसा है और हम सब के शरीर में एक ही रंग का खून बह रहा है। एक अस्थि एक प्राण, अस्थि यानी कि हड्डी, हमारे शरीर में हड्डी भी एक समान है, एक प्राण हमारे प्राण भी एक जैसे है। समझ में आया ना? हाँ, चलो आगे देखिए। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। हर्ष भरे, हर्ष यानी कि आनंद, राग यानी कि स्वर, और सुहाने यानी कि सुंदर, समता यानी कि समानता। अब हम देखेंगे, हम सब एक साथ मिलकर मधुर राग में अंतर से गीत का गान करें, जिसमें समानता और ममता की भावना जागृत हो। हमें सब मिलकर समता और ममता के गीत गाने हैं। आगे देखिए, घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान। निस दिन, निशा यानी कि रात्रि, और दिन यानी कि रात, यानी कि दिन रात। निस दिन यानी कि दिन रात, मधुर यानी कि मीठा, और गान यानी कि गीत। तो क्या कहा गया है काव्य में कि हमारे घर में रात दिन एक ही गीत गूंजता रहे, कि हम सब एक जगत और एक लोक के निवासी हैं। आगे देखिए, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। राष्ट्रों यानी कि देश, एक्य यानी एकता, कर्म यानी कि काम, प्रगति यानी विकास। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता की भावना लाना ही हमारा काम है। क्या कहा गया है? संसार के सभी राष्ट्रों में एकता लाना ही हमारा काम है। हम सब की प्रगति हो, हम सब का विकास हो, हमें समान न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म है। हम सब की प्रगति हो, विकास हो, हम सबको समान न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यह हमारा धर्म है। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, इसलिए हम सब एक साथ हिल मिलकर यानी कि मिलजुल कर विश्व शांति का निशान यानी कि झंडा लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। क्या कहा गया है कि इसलिए हम सब एक साथ मिलजुल कर विश्व शांति का निशान यानी कि झंडा लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। तो इस प्रकार इस पूरे काव्य में हर एक पंक्ति में हमें
एक रहने की सीख दी गई है एकता से, मिलजुल कर रहने की सीख दी गई है। प्रकृति के तत्व जैसे कि सूर्य, चंद्र, हवा, पानी, भूमि, आसमान, ये सब सभी के लिए हैं। हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्म, जाति, बोली, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उन सब के रक्त का रंग एक ही है। इसलिए हम सबको मिलजुल कर एकता से रहने की सीख दी गई है। तो यहाँ पर हमारी काव्य की समझूती पूर्ण होती है। आपको इस काव्य को अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों से लिखना है और इसके नीचे दिए गए शब्दार्थ भी लिखने हैं, और आपको घर पे रहकर इस काव्य को गाना है और इस प्रकार उसे देखना भी है।